हेलो दोस्तों, बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे कॉमोडिटी मार्केट का कि कॉमोडिटी मार्केट का ऑल ओवर परफॉर्मेंस आज का हम बताएंगे कि कैसे काम किया है हमारा सॉफ्टवेयर ने, कैसे परफॉर्मेंस दिया है। आइए देखते हैं, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर का काम होता है ऑटोमेटिकली बाई एंड सेल सिग्नल जनरेट करना रनिंग मार्केट के अंदर। अगर उसको भी सही सिग्नल को सही दिखाएगा, गलत सिग्नल को गलत दिखाएगा। अगर सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं उसमें साइड वे में प्रॉब्लम हो जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज़ किया है तो प्रॉब्लम होता है मेनली साइड वे मार्केट के अंदर, पर हमारा सॉफ्टवेयर उसको गलत दिखाकर बता देगा कि ये ट्रेड सही है, एक गलत है, और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि सिल्वर का चार्ट मैंने लगाया है। यहाँ हमारा बाई सिग्नल मिला था 24 तारीख को 24, और बाई सिग्नल दिया था। बाई सिग्नल है वो परफेक्ट ट्रेड था। उसका रीज़न ये था कि बाई सिग्नल के पहले उसने एक ऊपर की साइड ब्लू ट्रेंगल लगाया था, मैंने उसके ऊपर राउंड कर दिया। अगर बाई के पहले ऐसा अपर साइड ट्रेंगल बनता है तो बाई सिग्नल कंफर्म बन जाता है और डेफिनेटली ऊपर जाता है। तो ये इतना ऊपर गया था, अच्छा प्रॉफिट दिया था। साथ में हम सीट नंबर टू का भी वेरिफिकेशन लेते हैं। सीट नंबर टू में आपको चेक करना होता है, ये वाइट कलर की ट्रेड लाइन को चेक करना है। अगर ये वाइट लाइन नीचे की तरफ है और मार्केट उसके ऊपर चल रहा है, यहाँ बाई मिल रहा है, तो मतलब कि ये डबल वेरीफाई है, ये पक्का पक्का ऊपर जाएगा ही। अब बाय दे दिया, सॉफ्टवेयर का काम खत्म नहीं होता है। वो आगे आपको यहाँ बताया कि और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए। यहाँ आगे और आपको बताया कि और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए। तो मार्केट जब तक ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे आपको होल्ड 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 देता जाएगा। अब हम सेल सिग्नल की पहले बात कर लेते हैं, बाद में फिर से हम सिल्वर पर आ जाते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल के अंदर हमारा सेल सिग्नल दिया था, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर कर आपको दिखाता हूँ और बैक में जाता हूँ। ये जो सेल सिग्नल है वो परफेक्ट ट्रेड है। क्यों क्यों परफेक्ट है? क्योंकि सेल के पहले एक डाउन साइड एरो लगाया, इसलिए ये सेल सिग्नल परफेक्ट ट्रेड है। और अगर ऐसा हो गया, सेल के पहले ऐसा डाउन साइड एरो आ गया, और तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेल सिग्नल परफेक्ट ट्रेड है और पक्का पक्का नीचे जाएगा। और साथ में हम सीट नंबर टू की भी एक कंडीशन चेक करते हैं। सीट नंबर टू में जाकर हम चेक करेंगे, अगर आप देख रहे हैं कि ये वाइट कलर की जो लाइन बनी है वो ऊपर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? बाई सिग्नल में नीचे होनी चाहिए और सेल सिग्नल में ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ ऊपर ही है सेल सिग्नल में, तो डबल वेरीफाइड ट्रेड है। और ये कंटिन्यू देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही चल रहा है और अभी कंटिन्यू मार्केट डाउन ही जा रहा है। यहाँ आपको आगे जाकर सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर, जाकि आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर आपको रनिंग मार्केट में सपोर्ट नहीं देता है सिग्नल देने के बाद। पर यहाँ आपको बोला और गिरेगा, होल्ड रखिए। आज मार्केट ओपन हुआ, अगेन बोला और गिरेगा, होल्ड रखिए। तो सॉफ्टवेयर आपको कंटिन्यू जब भी उसको लगेगा कि ये ऊपर जाएगा तो वो क्या करवा देगा, एक ऊपर की साइड एरो डाल देगा। अब उसके पहले का बैक में देखते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर बाई के पहले ऊपर की साइड एरो बनता है तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन फ्लो नहीं होती है, यहाँ एक डाउन साइड एरो है। साथ में हम इसका सीट नंबर टू में भी चेक कर लेते हैं, तो वहाँ भी यहाँ कंडीशन फ्लो नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी बाई सिग्नल मिले तो मार्केट ये वाइट ट्रेड लाइन से ऊपर होनी चाहिए। ये जो मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उनसे ऊपर होनी चाहिए, पर नहीं है। तो मतलब कि ये दोनों सीट से वेरीफाइड ट्रेड नहीं है, फेक सिग्नल है। इसमें आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है आपको बाई सेल बाई सेल बाई सेल करवा देता है, पर हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ आपको डिटेक्ट करके बोल देता है यहाँ ट्रेड मत करिए। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं होल्ड का। जैसे कि सेल दिया, कंफर्म है, कंफर्मेशन दिया। यहाँ सेल के पहले डाउन साइड एरो, यहाँ बोला और गिरेगा, होल्ड करिए। और गिरेगा, होल्ड करिए। और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। यहाँ पूरा रैली का बेनिफिट आप ले सकते हैं। साथ में सीट नंबर टू में भी चेक कर लेते तो वाइट कलर की लाइन आप चेक कर पा रहे हैं, ऊपर ही चल रहा है। तो बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस रहा है। साथ में कोई दूसरा चेक कर लेते हैं, सिल्वर। सिल्वर के आगे हम
तीन कंफर्मेशन है, एक दो तीन, मतलब कि ये बहुत ऊपर जाएगा। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन कर दिया कि ये बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ आप लॉट की क्वांटिटी इंक्रेस कर दीजिए, ये सेल है वो गलत है, मैंने आप कंडीशन चेक कर लीजिए क्योंकि उसके पहले डाउनसाइड एरो नहीं मिला। कोई दूसरा चेक करते हैं गोल्ड, तो गोल्ड में भी यहाँ चेक करिए तो बाई सिग्नल मिला है, बाई के पहले ऊपर की साइड एरो है, यहाँ बोला और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए। ये जो सेल है गलत है, ट्रेड करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाई है, कंटिन्यू रहेगा, आप यहाँ कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको बोला था और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए, और ये सेल गलत है। कोई दूसरा चार्ट चेक कर सकते हैं, तो हमारा सेल यहाँ से एक्टिवेट है, क्यों? क्योंकि ये कंफर्म ट्रेड था, बाद में यहाँ बोला और गिरेगा, होल्ड रखिए, यहाँ आपको गलत बाय दिया। इंट्राडे ट्रेडर यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, पोजिशनल कंटिन्यू रखे, फिर से आपकी जो पोजिशन है वो कंटिन्यू हो जाएगी, ये सेल कंटिन्यू है, और यहाँ बोला और गिरेगा, होल्ड रखिए, और गिरेगा, होल्ड रखिए। इंट्राडे ट्रेडर यहाँ से फिर से एग्जिट हो जाइए क्योंकि गलत है, और यहाँ से आज फिर से आप री एंटर हो जाइए, और पोजिशनल ट्रेडर आपका यहाँ से कंटिन्यू है। तो सॉफ्टवेयर आपको सभी जगह आपको हेल्प करेगा, थोड़े टाइम के बाद आपको हेल्प करता रहेगा कि कहाँ आपको होल्ड करना चाहिए और कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। तो ऐसी ही तरह हमारा ऑल सजमेंट के अंदर काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर, और हम इस चैनल पर फ्री में बाय एंड सेल सिग्नल लाइव करते रहते हैं, आपको बताते हैं कि कहां पर आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो हमारी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।